हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आजम मंसूरी और आप देख रहे हैं बेस्ट प्रोडक्ट क्लिक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्लपूल के डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। क्रिस्टल ग्लास के अंदर आपको फिनिशिंग रेफ्रिजरेटर में जो है मिलने वाली है। काफी क्लासिक मॉडल है और इसके प्रूफ मॉडल है, आपका स्क्रेच वगैरह जो है वो भी नहीं आएगा। इसके अंदर आपको 2 स्टार रेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि पावर सेविंग के लिए अभी 2 स्टार रेटिंग जो है वो भी काफी अच्छा है। पर ईयर यूनिट कंजप्शन की इसकी बात करें तो 265 लीटर पर ईयर यूनिट कंजप्शन रहने वाला है। इसका मॉडल नंबर की बात करें तो ND-T23523FAQGNCPE 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी इसके अंदर दिया हुआ है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 235 लीटर का इसके अंदर कैपेसिटी दिया हुआ है। इसके अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहेगी, आपका पावर कंजप्शन जो है वो भी काफी कम रहने वाला है। इसके अंदर 25 ईयर का रिलीजिबिलिटी टेस्टेड हुआ हुआ है। साथ ही साथ इसमें ISI सेटिस्फाई मार्क्स भी दिया हुआ है आपको, जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है। इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने क्रोम हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में पॉकेट डीप हैंडल है। इसके स्पेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें एंटीक बैक्टीरिया गैसकेट आपको देखने को मिल जाता है फ्री सेक्शन में, और 2 कंपार्टमेंट जो है इसमें देखने को मिल जाते हैं डोर पे, जिसमें पैकेट्स वगैरह जो आप वो डेली यूज का सामान फ्रीजर में रख सकते हो। इसके अंदर फ्रिज में डीप फ्रिज आपको देखने को मिल जाता है, कूलिंग वगैरह जल्दी से लॉस नहीं होगी। और टफन ग्लास के साथ साथ इसमें आइस मेकिंग जो है ट्रे मिल जाता है, मूवेबल आइस मेकिंग ट्रे देखने को मिल जाता है आपको, जो आप मूव करके किधर भी इसको रख सकते हो। और जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो आप अपने हिसाब से यहाँ से ही सेट कर सकते हो। मिनिमम रखना है, नॉर्मल रखना है, डीप फ्रीजर रखना है, चिल फ्रीजर रखना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। डीप फ्रीजर दिया है, काफी अच्छा है, कूलिंग वगैरह जो मेंटेन रहने वाली है। बात करते हैं इसके फ्रिज सेक्शन की, तो फ्रिज सेक्शन में एंटीक बैक्टीरिया गैस किट के साथ एक ट्रे मिल जाता है और 2 इजी रैक मिल जाता है इसके ऊपर। आपको यहाँ पर नीचे की साइड में आपको बिग बॉटल का रैक मिलने वाला है, उसके नीचे एक और छोटा बॉटल जो आपको रखना है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। एक वगैरह के साथ साथ आप पैकेट्स वगैरह बर्तन आइटम छोटे जो है वो यहाँ पर रख सकते हो। इसमें एवरीडे फ्रेश इजी स्लाइड ट्रे मिल जाता है टफन ग्लास का, जिसमें आप मिल्क वगैरह जो रख सकते हो वो रखना है आपको। 2 टफन ग्लासेस सेल्फ इसमें मिल जाता है, 175 तक kg तक का आप इसके अंदर वेट रख सकते हो। फ्रीजर का जो टेम्परेचर है आप यहीं से ही सेट कर सकते हो, मिनिमम है, हाई है, लो है, मीडियम है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। कूलिंग वगैरह जो है वो भी काफी मेंटेन रहने वाली है, और इसका जो सेल्फ है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टेबल इसमें दिया है। हनी कॉम्पैक्ट जो इसके अंदर आपको मॉइस्चर कंट्रोलर भी मिल जाता है बास्केट में, बिग बास्केट इसकी दी हुई है। फ्रूट और वेजिटेबल्स आप इजीली रख सकते हो, क्वालिटी जो है वो भी काफी अच्छी मिलने वाली है। वर्लपूल के जितने भी रेफ्रिजरेटर है सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्राइस चेक करना है प्राइस भी चेक कर सकते हो, बाय करना है बाय भी कर सकते हो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के वीडियो में बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।